Let's go! Chapter 1044 just. सबसे पहले तो जो भी चैप्टर 1044 के ऊपर वीडियो बना रहा था उसमें से एक मैं भी था, ओडा सेंसे ने सबकी वाट लगा दी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये चैप्टर सीधा मुंह पे मारा है हमारे कि रेजन हाँ रेजन लिटरली हितो नोमी सही में। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बैड राइटिंग नहीं कहेंगे क्योंकि ये चीज पहले से प्लान्ड थी, एटलीस्ट मेरे नजरिए से। और भाई स्पॉयलर्स, जो लोग स्पॉयलर से बच गए ना तुम लोग बहुत लकी हो, क्योंकि यार स्पॉयलर से बचना इम्पॉसिबल था। अबे यार हर दूसरा बंदा स्पॉयलर देके जा रहा है यार। और ये बताओ कि लास्ट वीडियो में स्पॉयलर क्यों बांट रहे हो कमेंट सेक्शन में? मुझे वो कमेंट ही रिमूव करना पड़ा ताकि किसी और को स्पॉयलर ना मिल जाए। जो लोग स्पॉयलर बांट रहे थे अगर उनको बुरा लग गया हो तो सॉरी, पर तुम्हारे कमेंट को तुम्हें मैं रिमूव करूंगा। सो ओके बॉयज और गर्ल्स, अगर कोई देख रही है तो लेट्स टॉक अबाउट माय ब्रांड न्यू थ्योरी। मैं पिछले दो वीडियो से ये कह रहा हूँ कि सैंक्स जिस पर्सन के बारे में बात करने गया था वो लूफी ही था, और ये बात सच होती है मेरी। कम ऑन यार, अब तो ये ऑब्वियस ही बात है कि सैंक्स लूफी के बारे में ही बात कर रहा था। बट अभी भी हमें घंटा नहीं पता कि सैंक्स लूफी के बारे में क्या बात कर रहा था। बट वेट, एक्चुअली हमें शायद पता है। जब भी मैंने अपने वीडियोस में सैंक्स के बारे में बात की है मैंने ये बात हमेशा कही है कि सैंक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीरीज के बैकग्राउंड में। समहाउ सैंक्स सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाता है जब भी कुछ सीरियस मैटर होती है, लाइक काइडो को वार में आने से रोक देना, मरीनफोर्ड वॉर को रुकवाना, लूफी के डेविल फ्रूट को चुराना, एस के बारे में व्हाइट बियर्ड को बताना, और अब ये। अब एक इम्पोर्टेंट बात, यह सबको पता है कि वानो में बहुत तगड़ा लड़ाई चल रहा है जिसमें स्ट्रॉ हैट लूफी हेविली इन्वॉल्व्ड है। सो बेसिकली सैंक्स पर्पसली जानबूझकर फाइव एल्डर स्टार को यह बताता है कि गोमु गोमु नोमी या फिर कह लो हितो नोमी मॉडल नीका के असली यूजर के बारे में बताता है जो कि है लूफी। फिर से कहता हूँ जानबूझकर, ताकि फाइव एल्डर्स लूफी को मारने का डिसीजन ले सके एंड इन द प्रोसेस लूफी के ऊपर प्रेशर बने, एक ऐसा सिचुएशन बन सके जिसमें लूफी अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर सके। क्योंकि सैंक्स जब लूफी के 1.5 बिलियन बेरीज वाले बाउंटी को देखा होगा और जब सुना होगा कि कैसे लूफी बिग मम के कैसल लिटरली पूरे आइलैंड को बर्बाद करके सही सलामत वहां से निकला है, और यह चीज उसी वक्त साबित हो जाती है कि लूफी अब किस चीज के केपेबल हो चुका है। एंड सैंक्स भी लाइक कि हाँ अब लगता टाइम आ चुका है। एंड यहाँ पे सैंक्स का हाकी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबको पता है सैंक्स का हाकी हद से ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर देन एनीबॉडी इन द एंटायर वन पीस वर्ल्ड। सो पॉसिबली यह हो सकता है कि सैंक्स फ्यूचर देख चुका हो, आगे क्या होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना नेक्स्ट मूव प्लान करता है। इसीलिए मैंने कहा कि सैंक्स सही वक्त पर सही जगह समहाउ पहुंच जाता है। इस थ्योरी का पक्का सबूत तो यही है कि सैंक्स एस को बचाने का ट्राई करता है बाय टेलिंग व्हाइट बियर्ड कि एस को वापस बुला लो, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि सैंक्स यह चीज पहले ही सेंस कर चुका था। मगर अब लूफी के साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो पावर्स के हिसाब से उसने हर चीज अचीव तो कर ही लिया। एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी चेक, रियूज हाकी चेक, एडवांस कॉन्करर हाकी चेक, अवेकनिंग चेक, गियर 5 चेक। तो अब बचा क्या? बचा तो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लूफी के फाइनल पावर अभी हमें दिखाई गई है, क्योंकि रबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि कुछ गॉडली पावर के साथ एक्चुअली फिट नहीं होता है। यू नो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट के साथ तुम्हारा रबर जैसा पावर स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट पे फिट नहीं बैठता है, असली पावर कुछ और ही है। क्योंकि लूफी शुरुआत से ही अब तक अपने पावर्स यानी अपने डेविल फ्रूट पावर को एक पैरामीसिया टाइप डेविल फ्रूट की तरह यूज़ करता आ रहा है, और सबसे पहले तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि लूफी का अवेकनिंग पैरामीसिया टाइप कैसे हुआ। हालांकि वो स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट है सो इट माइट मोर देन हैव वन पावर। और वही चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस डेविल फ्रूट में रबर के अलावा कुछ और भयंकर पावर हो सकता है, क्योंकि जब लूफी अपने पावर को एक जोन टाइप डेविल फ्रूट की तरह यूज करेगा तो हो सकता है वो उसको कुछ अलग पावर दे, जैसे कि रंबल बॉल वो यूज कर सकता है। और अगर उसके पास और कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि एंडिंग अब काफी ज्यादा ही नजदीक है।
और वो अपने पावर्स को तब इस हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड करेगा, लाइक स्नेक मैन एंड बाउंस मैन, जिस तरीके से गियर फोर्थ में। सही बताऊं तो मैं चाहता था कि लूफी का डेविल फ्रूट एक नॉर्मल डेविल फ्रूट रहे, ना कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट, क्योंकि वो अपने रबर वाले फ्रूट को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से यूज करता था, जिसको देखने में काफी मजा आता था। हालांकि अब उसके पास नए तरीके खुल चुके हैं अपने डेविल फ्रूट को क्रिएटिव तरीके से यूज करने के, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट बैड बट नॉट ग्रेट ईदर, बट इट्स काइंड ऑफ ओके। सो आई गेस तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरा क्या ओपिनियन है लूफी के नए, या फिर कह लो वही हितो नोमी के ऊपर। मुझे एक्चुअली उतना पसंद नहीं आया, बट आई गेस इट्स काइंड ऑफ ओपी। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। एंड एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि एंड में शायद हो सकता है लूफी और ब्लैक बियर्ड की ही फाइनल फाइट हो, क्योंकि यू नो ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट है डार्कनेस वाला, एंड अब लूफी का डेविल फ्रूट हो चुका है सन से रिलेटेड, जो कि लाइट वाला है। बेसिकली दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। और अगर तुम्हें याद हो तो रॉजर चाहता था कि उसका जो बेटा हो वही जाकर वन पीस खोजे। तो क्या लगता है तुम्हें कि सैंक्स ने डेविल फ्रूट जो लेजेंडरी वाला चुराया था वह एक्चुअली में वह एस को खिलाने वाला था, और इसीलिए तो वो उस टाउन में गया था, लेकिन वो डेविल फ्रूट लूफी खा लिया। एट द एंड मैं बस ओडा से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि चैप्टर में हियोरी और ओरोची को डालने का क्या जरूरत था यार। माय गॉड, पूरा मूड खराब हो गया था। स्पॉयलर्स में बल्कि लिखा था कि इन दोनों का एक छोटा सा सीन होने वाला है, ना कि आधा का आधा चैप्टर। अरे यार, एक तो ये ओरोची ओनिगासिमा रेड से तो ये मरा ही जा रहा है। खैर, हो सकता है कि ओडा जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि ये चीज बैलेंस हो जाए और हम लोग एक्साइटमेंट से मर मुराना जाए। बाय द वे, तुम लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो क्या? मुझसे आके बात करो यार, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ, स्पेशली द गर्ल्स। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। अभी 4000 लोग अनसब्सक्राइब मार देंगे। मैं बस उनको रिप्लाई नहीं करता जो बस रील्स भेजते हैं, क्योंकि उनको क्या ही रिप्लाई करूँ। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो को शेयर करो, फैला दो। अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं भी पसंद आई तब भी फैला दो। जो भी लोग वीडियो शेयर करेंगे उनको मैं गिव अवे करूंगा, और गिव अवे में होगा तुम्हारा ही तो नो भी मॉडल नीका। नहीं करूंगा।